जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे कई तरीके के राजनीतिक ड्रामे सामने आ जाते हैं। उसी तरीके का एक ड्रामा सामने आया है, अभी मोदी जी ने सफाई कर्मियों के पैरों को क्यों धोया। कल कुंभ मेले के में सफाई कर्मियों के पैर धोए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने। काश प्रधानमंत्री महोदय कुंभ मेले में एक नया आदेश लागू कर देते कि सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त, उन बच्चों को बराबर का सम्मान अधिकार, बराबर में साथ में उठना बैठना खाना पीना, ये सब कहीं ज्यादा होता तो कहीं ज्यादा बेहतर होता बहुजन समाज के लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के लोगों के पैर धोकर क्या खाना चाहा है, ये वही जानते हैं या राजनीति जानती है। अगर किसी महिला या पुरुष के पैर धोने से बेहतर है उसको सम्मानजनक नौकरी मिल जाए ताकि उसका घर का गुजर बसर हो सके और वो अपने तरीके से सम्मान की जिंदगी जी सके, कहीं बेहतर होता पैर धोने से पहले। पर ऐसा हो ना सका और अब पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है 13 पॉइंट रोस्टर आने से। SC ST OBC के लोगों को अब नौकरी मिलेगी भी नहीं, वो इसी में बहुत ज्यादा परेशान है। और अब देश का हर एक नागरिक ये समझ गया है कि उनको पैर धोने से काम नहीं चलेगा, उनको अब समझ आ गई है राजनीति। पैर धोने का ड्रामा कोई आज का नहीं है, हर एक नेता अधिकतर ये देखने में सुनने में आता रहता है कि दलित के घर की रोटी खाई, कि इसमें इतना बड़ा कार्य कौन सा है कि दलित के घर की रोटी खाई क्या, और वो आटा नहीं खाते, चावल नहीं खाते, क्या नहीं खाते, सब कुछ तो होता है, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा गलत है। जैसे अभी आदित्यनाथ योगी का एक आया था, किसी के घर में वो पहुंचे थे तो उसके घर को सर्फ से धुलवा दिया गया था, उसमें साबुन वगैरह उनको पहले भिजवा दिया गया था कि आप लोग नहा लें, और इनके लिए सब चीजें ये सब कर दिया गया था। ये ड्रामा कोई नया ड्रामा नहीं है, बहुत ही पुराना ड्रामा है। और ये पैर धोने, घरों में खाना खाना, उनके मोहल्लों में झाड़ू लगाना, उनके साथ काम करना, उनके कपड़े देना इत्यादि, ऐसे कार्य जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे बहुत ज्यादा तेजी से आ जाते हैं, रंग ले लेते हैं। जिनके पैर धोए उनको भी याद है या नहीं कि उनके बच्चों को पढ़ने के लिए नौकरी लगने के लिए आरक्षण ही हटा दिया गया है, पहले से ही बंद कर दिया गया है, फिर पैर धोने का नाटक क्यों? अगर सरकार कुछ देना ही चाहती है तो बहुजन समाज के लोगों को बराबर का सम्मान दें, उनको शिक्षा दें, बराबर की हिस्सेदारी दें, चाहे वो आरक्षण हटा दें। ये थी SM न्यूज़ की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सभी खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। अगली खबर तक नजर बनाए रखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।